अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सीता कर रहे हम खुद समझ जाएंगे। दिल है कि नहीं आपको? अपने अलावा किसी और के बारे में सोचता है चंदेल परिवार? स्वार्थी हैं आप सब, खुद घर से। आप लोग का हर कदम सिर्फ अपने लिए होता है। अरे आप लोग में किसी ने ये सोचा कि आपके इस एक कदम की वजह से इस लड़की की जिंदगी तबाह हो? अवधेश, बस मां, आज यहां जो कुछ भी हुआ है उसकी पैरवी आप तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। पाप हुआ है, पाप हुआ जी। आप तो प्यार करती है ना, तू उसे अपना मानती है ना, उसे उसकी फिक्र है आप तो, क्या जिंदगी भर उसे ऐसे ही नर्क में झुकने देंगे? मत करो उन लोगों की सेवा, इस लायक नहीं है ये लोग। तुम्हारी ये हालत आज इन लोगों की वजह से आज तुम अपने नर्क में अकेली हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। और ये रहा तुम्हारे वरमाला का स्टेज। अरे कढ़ाई उतारने कोई आएगा कि नहीं? दूध जल जल के पति से हुए जा रहा है। हो गया बस हो गया, चलो चलो उठो। ये सप्ताह है मैरिज ऑफिस में क्या हो रहा है? तबेला, भाई, दूध, लोग, वकील, मुलाजिम, क्या नौटंकी है? मैडम खबर करो, क्या पता चल जाएगा। अरे ओ गोविंद बाबू, जरा मैडम के लिए तनिक एक ग्लास दूध लेके आओ, मलाई मार के। उका है ना, मैडम को इतना बेला मैरिज ऑफिस लग रहा है। एक ग्लास गर्मा गर्म दूध मैडम के लिए, मलाई मार के, जल्दी। इलो मैडम दूध पी लीजिए। खालिस गाय का दूध है गोविंद जी, हम का सोच रहे थे कि दो चार जरा चले भी ले आओ। उका है ना, आज हमारा हनीमून है ना डार्लिंग। उपला तैयार है, अगर ठंड लग रही हो तो दो चार जलवा दे, ठंड छूट जाएगी। मुबारक हो, अब राजीव नारायण चंदेल और हंसनी कुमारी दोनों कानूनन पति पत्नी हैं। रहने दीजिए, मैडम का मिजाज है गरम। स्वागत है, वेलकम है सरकारी अधिकारी। तुम विवाह अधिकारी नहीं, हमारा मतलब है मैरिज रजिस्ट्रार हो। नहीं थे, नहीं 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 हो, हो थे, हो विवाह अधिकारी कह सकते हो। 25-50 विवाह में तो हमारे कुआ सप्लाई होता है। अरे होता है कि नहीं मेरा क्यूटी? बस कीजिए अवधेश बाबू, पहले भी कहे ना आपसे, दूर रहिए हमसे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, मत लांछन लगाइए हमारे परिवार पे। दोष इनका नहीं, दोष परिस्थिति का है, दोष हमारी हंसनी दीदी का है जिन्होंने अपने शयन में सबको फंसा दिया। हमारे परिवार ने वही किया जो उस औरत ने करवाया। आंखों से उतारो अपनी ये ममता की पट्टी और देखो इन लोगों को, आज तुम्हारी हालत इन लोगों की वजह से है। कहूँ इन लोगों की नियत की वजह से, मत बनो ममता की मूर्ति। तो दीवाना हो रहा है इस कहूँ का। अवधेश बाबू इनको भी माफ कर दीजिए, ये भी ये सब देख के थोड़ा विचलित हो गए हैं। तो जानते हैं ना, अवधेश भी हमारी तरह हंसनी की सियार बुद्धि का शिकार हुआ है। हमें बचाने की पूरी कोशिश की थी उसने,
कबीला है तो कोर्ट कहाँ गया? हमारा यहाँ ब्याह हुआ, दस्तक हुआ, बरमाला, फोटो, होश में आओ हंसिनी, ब्याह नहीं हुआ है हमारा। राजीव नारायण चंदेल और हंसिनी कुमारी पति पत्नी नहीं है। अरे ना कोर्ट सच्चा है ना वकील, ना गवाह सच्चे हैं और ना ही दस्तखत। अरे ये सब तो धोखा है धोखा। धोखा तुमने दिया ना, उस धोखे का बदला है ये। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, शादी हुई थी हमारे राजीव बाबू, हमारा ब्याह हुआ था ना, आप ये क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। शादी नहीं हुई है, ये तो बदला था बदला, चंदेल परिवार की इज्जत के साथ खेलने का बदला। शादी तुमसे? कुहू हमारी पत्नी है और उसके पैरों की ना धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। अरे इसीलिए तो इस वक्त तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिली है। खैर चलते हैं। वो क्या है ना, आज चंदेल भवन में सबका प्रवेश है, कुछ जरूरत पड़े तो खुद ही आ जाना। महानता का ये नाटक बस हो गया तुम्हारा। पहले तो तुम बहू भी थी इस घर की, अब तो वो भी नहीं। हम तो कहते हैं निकाल बाहर कीजिए ना इसको चंदेल भवन से। क्या बक रही हो खुशबू? भाभी किसी की पत्नी हो ना हो, हमारी हमेशा भाभी रहेंगी, वो हमारे साथ घर चलेंगे। तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई इन्हीं दोनों बहनों की वजह से। तुम हो कि अभी भी भाभी भाभी की रट लगाए बैठे। खुशबू सही कह रही है बेटा, इन मुनिया टोला की लड़कियों की वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। तुम राजीव के नाम से आई थी, इसका क्या भविष्य होगा कोई तय करेगा। आ बेटा तुम लोग आ भानु, चलिए प्रभाती। खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए तुम, अपनी गाड़ी से उड़ा देते तुमको। क्या कर रही हो? छोड़ो हंसिनी, क्या कर रही हो? आपने हमको धक्का क्यों दिया? इसलिए ना क्योंकि हमको देखकर आपको कुछ होता है।
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बौरा गई हो तुम? छुआ ना आपने हमको, कुछ हुआ ना आपको? वो जैसा जो उहू को छूकर नहीं होता है। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। मान क्यों नहीं लेते? घिन होती है आपको उससे, उसकी शकल बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। अगर शकल बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको छुएंगे कैसे प्यार? प्यार तो बहुत दूर की बात है राजीव बाबू। आपके दिल में भू के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है, प्यार नहीं है आपको कुहू से। प्यार तो हमको आपसे हुआ था जब आपको पहली बार देखा था। आप हमारे लिए आओ, हम आपके लिए बने हैं। पर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि प्यार जिस चिड़िया का नाम होता है वो आप नहीं जानते। हमको लगता है आपको कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। नहीं हुआ? अब ना अपनी ये बकवास बंद करो। अरे हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमको ये बोलने की? आपने धोखा दिया क्या लगता है? आपने हमको धोखा दिया ना? ना 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 ना, आपने हमको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। काहे कि आपके साथ बदसूरती जो जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। कुहू आपके गले में बंधे हुए मरे हुए सांप की तरह झूलती रहेगी जिंदगी भर। आपने अपने आप को धोखा दिया है, किस्मत ने आपको धोखा दिया है उम्र भर के लिए। खुट खुट के जीने का श्राप दिया है। कुहू तो आपकी पत्नी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आप उस एहसास से हमेशा महरूम रहेंगे जो एहसास एक मर्द एक औरत के लिए महसूस करता है। काहे कि आपको उस मनहूस से प्यार ही नहीं है। रहम दया सहानुभूति, कब तक इसके सहारे उसका साथ देंगे आप? परिवार, परिवार का सुख वो तो आपको मिलने से रहा। काहे कि हर पल उसकी बदसूरती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हमको ठुकराया ना आपने, याद आएंगे, बहुत याद आएंगे जब उसकी शक्ल देखकर आपकी जिंदगी वीरान हो जाएगी ना, तो जिंदगी के दूसरे छोर में हम ही याद आएंगे। पछताएंगे आप, रोएंगे, लेकिन हम नहीं मिलेंगे आपको। हम ना मिलते। शट अप, जस्ट शट अप हंसिनी। और खबरदार जो हमारी कुहू के बारे में एक और लफ्ज कहा है तो। अरे बदसूरत वो नहीं, बदसूरत तुम हो। और मनुष्य उसकी शक्ल नहीं, मनुष्य तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारे जज्बात है। और खबरदार जो एक और लफ्ज हमारी कुहू के बारे में कहा ना तुमने, तो हम ना तुमसे बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? इससे ज्यादा क्या बुरा होगा राजीव बाबू? इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता कि प्यार करने के लिए वो बदसकल मिल गई आपको। अब आपकी जिंदगी उस मनहूस साए में प्रेमहीन गुजरने वाली है। इससे बुरा क्या होगा? बुरा तो हो गया राजीव बाबू। बुरा तो हो गया। मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। छुपाने की जरूरत नहीं है राजीव, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे।
कौन है ये जोकर? यार कुछ नहीं यार। अरे बंसी लाला, मृदुला घर में अंधेरा क्यों है? बी के धोखा दिया सबने हमें, क्यों रे कुहिया, तू भी साजिश का हिस्सा थी? नकली शादी, नकली कबा, नकली कोट, नकली आंसू। नकली शादी बर्बाद करके रख दिया अंतनी को, जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं के नहीं रहे हम, जिंदगी खत्म कर दी, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। छोड़ेंगे नहीं तुम में से किसी को भी। ओहिया अब तो तू बचने नहीं वाली। ब्याह सच का नहीं था। बंद कर अपनी बकवास, नौटंकी बाज कहेगी। वाह दादा वाह, आज तो कमाल कर दिया। और तुम, यू आंखें मत दिखाओ अपनी। औकात दिखा दिया ना तुम्हें दादा ने। माने, माने, हमारे राजीव बाबू हमारे ही है, हमारे पति है। बोले बाबा, नहीं होता है। आपको उस मनुष्य से प्यार ही नहीं है, काहे कि हर पल उसकी बदसूरती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हमने कुहू को धोखा नहीं दिया बाबू, हमारा और उसका ब्याह आज भी कायम है और अब भी हम उसी के पास जा रहे हैं। पर बाबा न जाने क्यों उसके पास जाने के लिए हमारा मन बेचैन नहीं है, उसको गले लगाने के लिए हमारा मन बेकैल नहीं है बाबा, और ना ही उसको नजरें मिलाने के लिए हमारी नजर बेताब है, क्योंकि शायद ये सच है कि
हमें उससे प्यार नहीं है। मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस गई। सही कहा था बुआ जी आप, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है। फर्जी आरोप का फर्जी नतीजा, ये तुम्हारा नकली ब्याह। लालच और बदनीयत सही अंजाम नहीं देता है दीदी। भले हम आपके षड्यंत्र को काट नहीं पाए दीदी, लेकिन हमारे राजीव बाबू ने आपके इरादे, आपके अहम और आपके पाखंड को भस्म कर दिया। जय भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा अपार है। दीदी हम भोले थे ना आपसे कि भोले बाबा का कृपा आ रहा है, तो देखो आगे। जिसकी औकात नहीं उगाल बचा रहा है, जो बाप की बैसाखी लेकर खड़ा है, ऊपर वचन झाड़ रहा है, जिसने हर कूटनीति में हमारा साथ दिया, जो पग पग हमारा इस्तेमाल करता रहा, वो बगला भगत बन गया है। छोड़ेंगे नहीं तुम सबको, हंसनी तुम सबको नहीं छोड़ेगी, एक एक से चुन चुन कर बदला लेगी, याद रखना। फिलहाल तो तुम सब निकलो यहां से, निकलो इस चंदेल भवन से। आज से हम हैं मालकिन इस घर की,